जनता पार्टी की संकल्प यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अनुपस्थिति के होने की बात सुर्खियों में बनी हुई है। वहीं मामले को बढ़ता देखकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने झालावाड़ में पार्टी के राजस्थान इकाई में गुटबाजी के अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि यहां हर कोई एकजुट होकर काम कर रहा है। गौरतलब है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रह चुके राजे विभिन्न पदों कार्य के दौरान 33 सालों से झालावाड़ का प्रतिनिधित्व किया है और यहां आयोजित एक कार्यक्रम में उनके शामिल नहीं होने से पार्टी के भीतर अंतर्कलह के अटकलों को बल मिला है। वहीं झालावाड़ कार्यक्रम के लिए कोटा पहुंचे धामी ने इन अफवाहों को खारिज करते हुए विश्वास जताया कि भाजपा इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों में राजस्थान में सप्ताह में वापसी करेगी। इसके साथ ही राज्य की अनुपस्थिति के कारण पार्टी में गुटबाजी के कांग्रेस के दावे के बारे में पूछे जाने पर धामी ने कहा, भाजपा न केवल देश की बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी में हर कोई एकजुट होकर काम कर रहा है और यहाँ भाजपा सत्ता में लौटेगी। इसके साथ ही भाजपा के पूर्व विधायक हीरालाल नागर ने पुष्टि की है कि राज्य का झालावाड़ में यात्रा में भाग लेने का कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य को अन्य जिम्मेदारियां दिए जाने की संभावना है। इसके साथ ही नागर ने बताया कि परिवर्तन संकल्प यात्रा रामगंज मंडी मोडक और कनवास से गुजरते हुए गुरुवार को कोटा पहुँचेगी। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के परिवर्तन यात्रा में नहीं आने से सियासी गलियारों में इसे लेकर हलचल मची हुई है कि क्या सच में केंद्रीय नेता ने उन्हें साइडलाइन कर दिया है या फिर भाजपा नेताओं की ओर से दिए गए बयान सही हैं कि उन्हें दूसरी जिम्मेदारी दी गई है। आखिर क्या है सच्चाई, इसका पता तो आने वाले दिनों में ही लग जाएगा। लोकवार्ता न्यूज जयपुर।